नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है द अनप्रिडिक्टेबल मार्केट में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि कल 29 फरवरी 2024 है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट दिन है कल का मार्केट के लिए। कल बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक साथ हमें एक्सपायरी देखने मिलने वाली है और मुझे लगता है ये लास्ट हमें एक साथ मंथली एक्सपायरी देखने मिलने वाली है, क्योंकि मार्च से रूल जो है वो चेंज हो जाएंगे। जिस दिन मार्केट की एक्सपायरी रहती है, यानी कि बैंक निफ्टी की और निफ्टी की जिस दिन एक्सपायरी रहती है वीकली, उसी दिन हमें मंथली एक्सपायरी भी देखने मिलेगी। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं आप लोगों को। आज देखो, मार्केट ने बिल्कुल वैसा परफॉर्म किया जैसा हमने कल इस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। देखो, कल के दिन मैंने इस वीडियो में आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी बताई थी और आप लोगों को मैंने ये भी बताया था कि आज के दिन मार्केट जो है वो किस तरफ भी जा सकता है। देखो, कल के दिन जो हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग देखने मिली थी, मैंने वो क्लियरली कहा था अपने वीडियो में कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि जब आप इसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये क्यों ट्रैप है। आखिर क्यों यहाँ पर ऐसा हुआ वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको ये भी बताने वाला हूँ कि क्या बैंक निफ्टी 45,500 को टच करेगा या यहाँ से हमें रिकवरी देखने मिलेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना और अगर आप सब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वरना ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप मिस कर जाओगे। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं बैंक निफ्टी के डेली चार्ट के साथ। यहां पर आप देखोगे बैंक निफ्टी का जो डेली चार्ट है वहां पर आज एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज फॉर्म हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे कल के कैंडल की कि कल के कैंडल में ऐसा क्या फॉर्म हुआ था जिसके बाद आज एक बड़ी गिरावट हमें देखने मिली। देखो, जो भी मार्केट में मोमेंटम होता है वो कहीं ना कहीं मार्केट में एक दिन पहले ही मालूम पड़ जाता है। कोई कोई स्टॉक या कुछ कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर मैनिपुलेशन हो सकता है, पर बैंक निफ्टी और निफ्टी में मैनिपुलेशन जो है वो नहीं हमें देखने मिल सकता है। यहां पर आप देखोगे कल के दिन क्या हुआ था, जो ये कैंडल फॉर्म हुई थी उसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया, पर वहां पर वो सस्टेन नहीं किया और ऊपर की तरफ जाके हमें क्लोजिंग देखने मिली। साथ ही साथ यहां पर एक हाई भी बनाया था, ऑलमोस्ट 46,700 के आसपास का एक हाई बना था, जिसके बाद मार्केट वहां पर भी सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आके हमें क्लोजिंग देखने मिली, जिसके बाद बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि यहां पर अब एक पॉजिटिव ट्रेंड की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि यहां पर कंटिन्यू हमें डाउन ट्रेंड देखने मिल रहा था, जिसके बाद अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पर बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग देखने मिल गई। पर यही तो गलत हो गया, यहां पर बहुत सारे लोग फंस गए, जिसके वजह से आज बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ होगा बहुत सारे लोगों का। तो मैं अब आप लोगों को ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कल के दिन हमें कैसे ट्रेड करना है और कैसे हमें बचना है ये ट्रैप पे आने से। तो यहां पर आप देखोगे मैं आपको 1 आवर के चार्ट पर लेके आ गया हूं। देखो, जैसा आप सबको बताया, अगर आप सब मेरी वीडियो रेगुलरली देख रहे हो तो आपको ये चीज जरूर मालूम होगी कि मल्टीपल टाइम फ्रेम की एनालिसिस मैं कंटिन्यू आप लोगों को देते रहता हूँ। साथ ही साथ 15 मिनट के चार्ट पर जो मैं स्ट्रेटेजी बताता हूँ वो खास करके मैं 15 मिनट के चार्ट पर ही बताता हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे से वर्कआउट भी करती है। यहां पर आप देखोगे 1 आवर के चार्ट पर हमें क्या देखने मिलता था। अगर हम 1 आवर के चार्ट पर पिछले कुछ दिनों का अगर हम चार्ट देखें तो वहां पर हमें क्या समझ में आता है, यहां पर एक डाउन ट्रेंड है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे एक गिरावट हुई, फिर यहाँ पे थोड़ी सी रिकवरी आई, फिर यहाँ पर एक गिरावट हुई, फिर थोड़ी सी रिकवरी आई, फिर गिरावट हो गई। अब कल के दिन भी क्या होगा, थोड़ी सी रिकवरी आएगी और एक और बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है, या कल के दिन ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट की जो ओपनिंग हो वो एक गैप डाउन ओपनिंग हो और कंटिन्यू हमें जो है गिरावट देखने मिल सकती है। तो कल के दिन क्या करना है वो मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ आपको एक जीरो हीरो स्ट्रेटेजी भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। देखो, 1 आवर के चार्ट पर अगर हम देखें स्ट्रेंथ की बात, तो स्ट्रेंथ की बात में अभी जो बैंक निफ्टी है वो नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने आज अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और बैंक निफ्टी की जो हमें क्लोजिंग देखने मिली है वो 45,963 की देखने मिली है। मतलब 46,000 जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आज बैंक निफ्टी ने उसको ब्रेक कर दिया है, जिसके बाद यहां पर अब एक बड़ी गिरावट हमें जरूर देखने मिलेगी कल के दिन। तो कल के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है बैंक निफ्टी के लिए वो 45,500 के आसपास रहने वाला है। साथ ही साथ कल के दिन बैंक निफ्टी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है, वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता देता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को ये एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर ऐसा क्यों कल के दिन हमें देखने मिल सकता है। यहां पर आप देखोगे मैं 15 मिनट के चार्ट पर लेके आ गया हूं और 15 मिनट के चार्ट पर भी एक चीज जो है वो बहुत ही क्लियर है। यहां पर आप देखोगे अभी भी हमें यहां पर डाउन ट्रेंड ही देखने मिल रहा है, जो कि मैं आप लोगों को बार बार बताता हूं कि आपको अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के लिए बहुत ही सिंपल चीजें यूज करनी है। सबसे पहले आपको अपना इंपॉर्टेंट टारगेट और इंपॉर्टेंट सपोर्ट मार्क करना है, उसके बाद आपको 30 डे मूविंग एवरेज का एक सिंपल इंडिकेटर लगाना है और बस उसके बाद बैठ जाना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है।
उसके बाद 30 डे मूविंग एवरेज आपके लिए काम करेगा। यहां पर आप देखोगे कि आज के दिन ऑलमोस्ट 1% से ज्यादा की गिरावट हमें देखने मिली है। 624 पॉइंट जो है बैंक निफ्टी आज गिरा है, जिसमें काफी अच्छा प्रॉफिट हमें देखने मिल सकता था अगर आप लोगों ने कल के दिन मेरी ये वीडियो देखी होती तो। पर आप लोगों ने मिस आउट कर दिया, तो उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते। अब आप लोग ये वीडियो देख लो ताकि आने वाला कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आप मिस ना कर पाओ। यहां पर आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पर जो हमें लास्ट की कैंडल देखने मिली है, उसमें हमें काफी अच्छे वॉल्यूम देखने मिले। मतलब अगर हम बात करें पिछले 3-4 कैंडल की, तो यहां पर आप देखोगे वॉल्यूम जो है वो कंटिन्यू बढ़ता हुआ हमें दिखाई दिया है, जिसका ये साफ मतलब है कि कल के दिन जो हमें ओपनिंग देखने मिलेगी वो नेगेटिव में देखने मिल सकती है। देखो ऑलमोस्ट 70-80% जो चांसेस है वो कल के दिन एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग देखने में मिल सकता है, ऐसा बिल्कुल चांस बन रहा है यहाँ पर। पर यहाँ पर अभी भी एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग ने मिस कर दिया है, जिसके वजह से कल के दिन भी वो फंस सकते हैं जैसा आज वो फंसे। अगर आप यहां पर देखोगे तो 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी बैंक निफ्टी जो है वो क्लोज किया हुआ हमें दिख रहा है। 30 डे मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस किया था, यहां पर आप देखोगे 30 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया था, पर वहां पर वो सस्टेन नहीं कर पाया और उसके ऊपर आके हमें क्लोजिंग देखने मिली है। हाँ, यहां पर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक किया है, साथ ही साथ नेगेटिव ट्रेंड बना हुआ है। पर यहां पर एक चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो मुझे लगता है कि उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी डेली चार्ट का कैंडल क्लोज होते हुए हमें दिखा है। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी हमें काफी अच्छे देखने मिले हैं प्रीवियस कैंडल से, जिसका ये साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर नेगेटिव ट्रेंड है और जिसके वजह से कल के दिन एक गिरावट भी हमें देखने मिल सकती है। पर मैं आप लोगों को दोनों साइड की स्ट्रेटेजी देने वाला हूं ताकि मार्केट का मोमेंटम जिस साइड भी जाए आप लोगों को प्रॉफिट होना चाहिए, बस मेरा यही एम है। अब हम बात करें स्ट्रेटेजी की, तो स्ट्रेटेजी में सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने मिलती है तो क्या करना है। देखो अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने मिलती है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है और मार्केट को थोड़ा सा रिकवर होने देना है, ऑलमोस्ट 46,000 के आसपास आने देना है। उसके बाद वहां से एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम बनेगा और पुट साइड का ट्रेड आप लोग लेके चल सकते हो। पर यहाँ पर एक क्राइटेरिया है जो आप लोगों को फॉलो करना है, आपको ये देखना है कि जब मार्केट का कैंडल जो ऊपर की तरफ आ रहा है उसमें हमें जो वॉल्यूम देखने मिलेंगे वो प्रीवियस कैंडल से कम देखने मिलना चाहिए, तभी ये स्ट्रेटेजी वर्क करने वाली है। अदरवाइज ये एक ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप देखोगे अगर यहाँ पर रिकवरी होती है और वॉल्यूम काफी अच्छे हमें देखने मिलते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि 46,000 को आराम से बैंक निफ्टी ब्रेक करे और उसके ऊपर जाता हुआ भी हमें देखने मिल सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर कल के दिन गैप डाउन ओपनिंग देखने मिलती है तो क्या करना है, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कल के दिन अगर अपने को गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगी तो क्या करना है। देखो अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि 46,000 के ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है, जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, पर क्योंकि अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पर एक चीज बन जाएगी। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बन जाएगी, क्योंकि अगर इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई और फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन कर गई अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो यहां पर एक पॉजिटिव ट्रेंड बन जाएगा और बैंक निफ्टी आराम से हमें 46,400 के आसपास भी देखने मिल सकता है। देखो मैं बार बार आप लोगों को यही बता रहा हूं कि कल के दिन हमें दोनों साइड का स्ट्रेटेजी सोच कर रखना है कि अगर पॉजिटिव में गया मार्केट तो क्या करना है और अगर नेगेटिव में गया तो हमें क्या करना है। तो अगर आप लोगों को ये क्लियर है तो अब हम ऑप्शन चेन पे चलते हैं और ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखोगे सबसे पहले मैं आपको ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट दिखा देना चाहता हूं। ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या देखने मिलता है, यहां पर कॉल राइटर जो है वो काफी ज्यादा है पुट राइटर से, जिसका ये साफ मतलब है कि मार्केट जो है वो बेयर्स के हाथों में है। बेयर्स जो है यहां पर डोमिनेट कर रहे हैं, जिसके वजह से कल के दिन भी एक बड़ी गिरावट हमें जरूर देखने मिलेगी मार्केट में अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन। क्योंकि यहां पर देखोगे आप, जब आप ऑप्शन चेन देखते हो तो ऑप्शन चेन में आपको एक चीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ में आ जाती है। यहां पर आप देखोगे कि कितने कॉन्ट्रैक्ट्स है, जिसके वजह से आप कहीं ना कहीं ये कैलकुलेशन कर लेते हो कि मार्केट में अगला मूव क्या हमें देखने मिलेगा। पर ये कल के दिन मार्केट ओपन होते चेंज हो जाएगा, जिसके बाद यहां पर कुछ और नंबर्स भी देखने मिल सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट की और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है वो 46,000 के नीचे हुई है। मतलब जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था इसका, उसके नीचे आज हमें क्लोजिंग देखने मिल चुकी है। जिसके बाद अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है बैंक निफ्टी के लिए वो 45,500 बन गया है, क्योंकि यहां पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,33,000 के आसपास हमें यहां पर पुट राइटर देखने मिल रहे हैं। उसके बाद अगर आप कंपेयर करोगे किसी और स्ट्राइक प्राइस से तो इतने आपको पुट राइटर देखने नहीं मिलेंगे,
जिसके वजह से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है बैंक निफ्टी के लिए। उसके बाद अगर हम बात कर ले इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो अब बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया है वो 46,000 ही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे जो हमें कॉल राइटर देखने मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 1,66,000 के ऊपर देखने मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया है बैंक निफ्टी के लिए। तो अगर आप लोगों को बैंक निफ्टी में सब कुछ क्लियर हो तो अब हम निफ्टी की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक कंक्लूजन दे देना चाहता हूँ, पूरा एक रिकैप करा देना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने क्या बताया आप लोगों को, मैंने आप लोगों को यह बताया कि अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगी तो हमें क्या करना है, और अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने मिलेगी तो क्या करना है, पर जो मैंने क्राइटेरिया बताया वही आपको फॉलो करना है। देखो अगर गैप डाउन ओपनिंग देखने मिली और रिकवरी हुई, साथ ही साथ वॉल्यूम भी अच्छे जाते हुए हमें देखने मिले, तो वहां पर कुछ नहीं करना है आपको, आपको बस वेट करना है। पर अगर वॉल्यूम कम होते हुए दिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जो कैंडल हमें रिकवरी होते हुए दिख रही है, अगर उसमें हमें वॉल्यूम जो है वो कम होते हुए देखेंगे प्रीवियस कैंडल से, तो वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी, और मुझे नहीं लगता है कि वैसी अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिस करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी में क्या लगता है, देखो निफ्टी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आज के दिन फॉर्म हुई है। निफ्टी ने आज अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट यानी कि 22,000 को ब्रेक कर दिया है, जिसके बाद अब जो हमें सपोर्ट देखने मिल रहा है निफ्टी के लिए वो 21,900 देखने मिल रहा है इनिशियली, जिसके बाद 21,700 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा निफ्टी के लिए, क्योंकि यहां पर आप देखोगे आज जो हमें कैंडल की फॉर्मेशन देखने मिली है वो ऑलमोस्ट पूरी इनगल्फ कर चुकी है अपने प्रीवियस कैंडल्स को, मतलब यहां पर आप देखोगे तो एक बेरिश इनगल्फिंग टाइप पैटर्न यहां पर बन चुका है, जिसकी वजह से कल के दिन यहां पर एक बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है। अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में अभी भी अपने इंपॉर्टेंट 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है, पर एक और चीज यहां पर देखने वाली है कि यहां पर जो निफ्टी 50 है उसमें भी अपने इंपॉर्टेंट 30 डे मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी ट्रेड कर रहा है, जिसका मतलब यह है कि कल के दिन जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है वो 30 डे मूविंग एवरेज ही रहने वाला है, यानी कि 21,800 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है निफ्टी के लिए कल के दिन। जिसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर 1 आवर के चार्ट की, तो 1 आवर के चार्ट पर हमें क्या दिखता है, 1 आवर के चार्ट पर अगर आप बात करोगे स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पर एक वीकनेस हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखोगे तो जो हमें लास्ट की कैंडल्स देखने मिली है दो कैंडल, उसमें हमें काफी अच्छे वॉल्यूम देखने मिले हैं, साथ ही साथ अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ दिखा है निफ्टी। उसके बाद अगर आप बात कर ले यहाँ पर कि कल के दिन हमें क्या देखने मिल सकता है, क्या हमें यहाँ पर कल के दिन गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगी या गैप डाउन ओपनिंग देखने मिलेगी, तो यहाँ पर आप देखोगे जिस तरीके से यहाँ पर मोमेंटम बना है उसे देखकर ऐसा लगता है कि कल के दिन हमें यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देखने मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी ने अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक कर लिया है, जिसके बाद अब इसका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 21,700 के आसपास है, पर एक और इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका यहाँ पर बन रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 21,890 जो कि एक इनिशियली इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, अगर इसके नीचे कल के दिन ओपनिंग देखने मिलती है तो गिरावट जरूर देखने मिलेगी, अदरवाइज यहाँ पर कंटिन्यू हमें कंसोलिडेशन फेस कल के दिन देखने मिल सकता है। उसके साथ साथ निफ्टी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर कल के दिन निफ्टी की गैप डाउन ओपनिंग होती है और उसके बाद रिकवरी होती है, तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिले, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे निफ्टी के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है जो कि है 21,890 के आसपास। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान देना कि अगर कल गैप अप ओपनिंग होती है और अपने इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के ऊपर होती है तो हमें पॉजिटिव ट्रेंड देखने मिलेंगे, अदरवाइज यहाँ पर अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है और अपने इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के ऊपर ही रह जाता है तो ऐसा हो सकता है कि कल के दिन कंसोलिडेशन फेस हमें कंटिन्यू देखने मिले निफ्टी में। उसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी की ऑप्शन चेन की, तो ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखाई देता है, यहाँ पर आप देखोगे तो एक बड़ा डिफरेंट हमें दिखाई दे रहा है, जैसा कि बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा था कॉल राइटर वर्सेस पुट राइटर में, यहाँ पर भी जो हमें कॉल राइटर देखने मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 40 लाख के आसपास देखने मिल रहे हैं, वहीं पर जो हमें पुट राइटर देखने मिल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 21 लाख के आसपास देखने मिल रहे हैं, जो कि कल के दिन ओपन होते ही चेंज हो जाएंगे सारे नंबर्स। उसके बाद अगर हम बात कर ले अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की, तो आप सबको पता है कि बैंक निफ्टी के लिए अब जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है पहला वो है 21,900, अगर उसको ब्रेक करता है तो 21,700 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा अकॉर्डिंग टू चार्ट पर। अकॉर्डिंग टू अगर हम ऑप्शन चेन बात करें तो 21,800 एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1,18,000 हमें यहाँ पर पुट राइटर देखने मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है निफ्टी के लिए। उसके बाद अगर बात कर लो रेजिस्टेंस की, तो 22,000 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख से ज्यादा हमें यहाँ पर कॉल राइटर देखने मिल रहे हैं, जिसका ये साफ मतलब है कि 22,000 जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है
और जब तक निफ्टी उसको ब्रेक नहीं करेगा तब तक यहाँ पर कंटिन्यू हमें गिरावट देखने मिलेगी ही मिलेगी। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ आपको, अगर कल के दिन 15 मिनट के चार्ट पर गैप अप ओपनिंग देखने मिलती है जिसके बाद मार्केट जो है वो 22,000 के आसपास जाएगा और जो वॉल्यूम है वो कम होता जाएगा तो यहाँ पर एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और एक और बड़ी गिरावट हमें देखने मिलेगी। मतलब अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास अगर निफ्टी जाता है और उसमें वॉल्यूम जो है वो हमें कम होते हुए देखने मिलते हैं तो वो एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी एंट्री लेने की, पुट साइड का ट्रेड लेने की, जिसके बाद एक और बड़ी गिरावट हमें देखने मिल सकती है और जो हमें निफ्टी है वो 21,900 या 21,700 के आसपास भी देखने मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वो अगर समझ में आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने जो भी एनालिसिस आप लोग को दिया है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टडी पर्पस के लिए है, वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट प्लानिंग अपने फाइनेंशियल प्लानर से पूछ के कीजिए। थैंक यू।